ऐसी पीस और यूनिटी की मिसालें आपको सिर्फ कश्मीर में ही देखने को मिलेगी। प्रवेश द्वार है और ये कठुआ जिले में है, यहाँ की व्यवस्था प्रशासन द्वारा। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल व्यूअर्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनीका नजीर। आज का वीडियो जो है वो मैंने अमरनाथ यात्रा के ऊपर बनाया है और कश्मीरियत की जो मिसाल है, किस तरीके से नेचर जो है आए दिन उसकी एग्जाम्पल हमारे सामने रखता है, आज हम उस पर बात करेंगे। आपको पता ही होगा कि आज ईद का दूसरा दिन है कश्मीर में, और वहीं दूसरी तरफ से अमरनाथ यात्रा जो है शुरू हो चुकी है। एक तरफ से देखें तो ईद हो रही है और दूसरी तरफ से अमरनाथ यात्रा शुरू हुई है, और जो भी यात्री हैं वो गेटवे टू J&K पहुंच चुके हैं, यानी वो कठुआ पहुंच चुके हैं और अपनी खुशी का इजहार बहुत ही जोरों शोरों से कर रहे हैं। और ऐसी पीस और यूनिटी की मिसालें आपको सिर्फ कश्मीर में ही देखने को मिलेगी, और इसी को हम कश्मीरियत कहते हैं जो अभी तक जिंदा है। आइए सबसे पहले वीडियो देखते हैं और उसके बाद उस पर रिएक्शन देते हैं, और आपका भी क्या कहना है इस बारे में आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। आइए सबसे पहले वीडियो देखते हैं। लखनपुर बॉर्डर जो कि जम्मू एंड कश्मीर का यहाँ से प्रवेश द्वार है और ये कठुआ जिले में है, यहाँ की व्यवस्था प्रशासन द्वारा, यहाँ के जो भी कार्यकर्ता है, जो भी टीम है, उन्होंने बहुत अच्छे से मैनेज करा हुआ है। बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर, और बाबा के दर्शन के लिए अब हम जा रहे हैं, और हमारा ग्रुप चौथी बार यहाँ आया है। यहाँ की व्यवस्था को देख के हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हमें लग रहा है कि हमारी जो यात्रा है यहाँ से हम शुरू करेंगे हरी झंडी के बाद, बहुत अच्छी होने वाली है। बाकी हमारे सभी सीनियर बोले हैं, उनका अनुभव है, उनके साथ हम लोग जाएंगे और आगे की यात्रा करेंगे। बस शंकर भगवान की जय। हम राजस्थान सीकर से आए हैं और हम अभी चीता माता के मंदिर सांभर डिस्ट्रिक्ट में जो पड़ता है वहाँ पर है। यहाँ का प्रशासन की व्यवस्था बड़ी अच्छी है और बड़ा ही अच्छी व्यवस्था अरेंजमेंट किया गया है, कोई परेशानी नहीं हो रही है हमें, और बड़ा ही अच्छा लग रहा है। ये हमारी 17वीं यात्रा है, अभी हम ये एक सांभा जिला है जहाँ चीची माता का मंदिर है, वहाँ पे भी हम पहुँचे हैं, और यहाँ का जो मैनेजमेंट है प्रशासन के द्वारा जो भी सुविधाएं दी जा रही है वो हमें बहुत अच्छी लगी, और हम तो यही सारे इंडियन से ये अपील करते हैं कि बाबा के दर्शन ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए यहाँ और बाबा के दर्शन करें, क्योंकि बहुत अच्छा मैनेजमेंट है गवर्नमेंट का, बहुत अच्छी जगह है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, यही पर अपील करते हैं। व्यवस्था से हम संतुष्ट हैं और सारे इंतजाम हमें अच्छे लगे और यात्रा भी हमारी अच्छी चल रही है। सफाई वगैरह भी काफी है और हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, मजा कर रहे हैं, और भगवान करे जो हमारी यात्रा चले जाते हैं, देहरादून चले जाते हैं, तो वो तो एक पर्यटन स्थल होगा, लेकिन तीर्थ स्थल जाना बहुत जरूरी है, हमारे बच्चों को पता कैसे चलेगा। आज की वीडियो में मैं ज्यादा बातें तो नहीं बोलूंगी, लेकिन एक चीज और एक सवाल आपके साथ छोड़ना चाहूंगी कि नफरत फैलाने वाले तो दुनिया में आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, लेकिन जो यूनिटी का सबक देते हों, जो यूनिटी और पीस का सबक देते हों, हमेशा उन लोगों के पीछे चले या उन लोगों को अपना रोल मॉडल बनाएं। जो लोग यात्रा के लिए आ रहे हैं वो बहुत खुश हैं, आपने देखा ही होगा वीडियो में, और जो लोग ईद मना रहे हैं वो भी बहुत खुश हैं। और इतना ही नहीं, ये यात्री जब कश्मीर पहुंचेंगे तो यहाँ इनका वेलकम जो है कश्मीरी खुद करते हैं, कश्मीर के मुसलमान करते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि यूनिटी अभी भी कितनी बरकरार है, और बहुत सारे टूल किट्स हमेशा ये कोशिश करते हैं कि इस यूनिटी में हम एक दरार, एक डिवीजन पैदा करें, लेकिन हम अगर एक जिम्मेदार नागरिक की तरह अपनी जिम्मेदारी निभाए और समझे, और अपनी सोसाइटी को अगर हम आगे लेकर जाना चाहते हैं तो हमें इस डिवीजन को खुद से ख़त्म करना होगा, और इन पीस और यूनिटी की मैसेजेस को सामने लाना होगा और इनको सपोर्ट और प्रमोट करना होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अनीका नज़ीर, थैंक यू।